रिया और शिवानी, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी। गाइस, आज हम लोग देखने वाले स्टैंड अप कॉमेडी हेल्थ एंजाइटी अभिषेक उपमन्यु की है। तो एक दो तीन चलो। मैं घुस चुका हूँ फिटनेस में। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा फिटनेस को, पकड़ के रखूंगा फिटनेस। मुझे अभी पता लगा है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने ना फिटनेस की रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पता लगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने जो जो किया है ना, उन सारी चीजों से हार्ट अटैक आता है। पता ही नहीं था मुझे ये, क्योंकि मैं इंटेंट पे गया फिट होने। वो तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो तुम्हारी ही गलती निकाल देते। सो के कैसे उठते हो ऐसे? गलत। लेफ्ट से उठना था, दिल यहाँ होता है। 30 साल गलत उठ लिए। सेवन वेज यू आर ईटिंग कर्ड रॉन्ग। दही खाने भी नहीं आती मुझे। मैं फिर तो ये रास्ता बहुत लंबा है अभी यार। अभी तो मुझे चावल खाते नहीं देखा। वो तो मुझे पता है मैं गलत खाता हूँ। वो देख लेगा स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। भाई गला ही ना पकड़ ले, चबाएगा कौन, चबाएगा। सॉरी भाई, खिचड़ी थी भाई, सॉरी। और क्या है गलत तरीका दही खाने का? भाई देवी कह रहे दही में चीनी मत डालो। पता है भाई, क्योंकि चीनी खराब है। बेचारी दही क्या गलती इसमें? अब कल को मैं दही में कोकेन डाल के खा जाऊं। अभिषेक जेल के गया, अरे बड़ी गलत दही खाई उसने यार। इतने दिन दही खा जाता था, नाक से दही खाने लग गया था। चम्मच दो फेंक के क्रेडिट कार्ड निकाल लेता था। नहीं यार, मैं ना, अब देखो, मैं सब कुछ कर रहा था फिटनेस के लिए, जो जो करना चाहिए। पर यार अब 30 साल की गलतियां कहाँ 1.5 साल की जिमिंग से ठीक होंगी। किया तो सब कुछ, पर 6 महीने पहले वही हुआ जिसका सबसे यार डर था। मेरे पैर के कोने में दर्द होना शुरू हुआ यहाँ पे। वो दर्द बढ़ के कभी यहाँ पहुँच जाता था, कभी यहाँ 15 सेकंड रहता था, फिर यहाँ पहुँच जाता था, फिर यहाँ। पूरी बॉडी ट्रैवल कर रहा है 15-15 सेकंड। शिट, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका। तो मैंने तुरंत गूगल करना शुरू किया तो पता लगा एक नर्व प्रॉब्लम है। तो मुंबई के जो टॉप न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है, वो लीलावती हॉस्पिटल में बैठते हैं। उनका नाम है डॉक्टर शिरीश। मैं उनके पास गया, मैं कहा हाय सर, अभिषेक उपमन्यु सर, मुझे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। सर डायबिटिक में हो नहीं तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स की वजह से हुई है। 30 साल से ढंग से सो के नहीं उठा हूँ, तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर हैज डेवलप्ड, जो न्यूरोपैथी की फॉर्म में अपने आप को शो कर रहा है। राइट नाउ इट्स एट स्टेज 1, विच इज माइल्ड पेन। स्टेज 2 इज कॉन्स्टेंट पेन, एंड एज यू नो स्टेज 4 इज कम्प्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। सो हाउ डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड? तो डॉक्टर कह रहा है एक बार मैं चेक कर लूँ। चेक कर लिया, बुलाया भाई। यहाँ हथौड़ा मार रहा है। हथौड़ा मारने के बाद कह रहा है चल के दिखाओ। मैंने अपनी बेस्ट वॉक की उसके सामने, बेस्ट वॉक। मैं कहा चल के अभी दिखाता हूँ सर, ये देख रहे हो सर, क्या कर रहा है सर, ये देखो सर मेरी वॉक, देख रहे हो आप सर, देख रहे। कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया उसने, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन लिखने लग गया। मैं कहा सर व्हाट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आर यू गोइंग फॉर? एंटी सीजर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑक्सीकोडोन, और यू थिंक वी शुड स्टार्ट विद कीमो राइट अवे? कह रहा ये लो वाटर लिखा हुआ है। मैं कहा पानी? कह रहे हाँ पता है ना पानी। मैं कहा पता है? कह जाओ पियो जा। 1500 रुपए ले लिए पानी, लिख के दे रहा है, पिलाया भी नहीं। बेंच तो यार कैंसर कौन सा, मैंने पढ़ा था कि अगर तुम अर्ली डिटेक्ट कर लो ना अर्ली, तो
ठीक हो जाता है। मैंने कहा अर्ली जो पहले दिन पकड़ूंगा मैं। तो मैंने तुरंत जाके अपने सारे ब्लड टेस्ट खुद ही करा लिए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का टेस्ट, ALA का टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर का टेस्ट करा लिया। वो कर भी नहीं रहे थे, कह रहे होते नहीं 50 साल से नीचे को। मैं कहा आप टेस्ट करो ना, कह रहे हमने कहा गर्दन पकड़ करा कर कर बहन। ऐसे टेस्ट कराए मैंने, उन टेस्ट में मेरा ESR हाई आया। ESR किसी को पता है ESR क्या होता है? बोलो क्या बात है, इनको 10 रुपए देना चाहते थे। वेरी गुड, बाकी को क्यों नहीं पता भाई? कॉमेडी देखने से हेल्थ नहीं ठीक होगी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अजीब निकल गया है, हंसने से कुछ नहीं होने वाला। एथ्रोक्राइट सेडिमेंटेशन, पता लगता है ब्लड में इन्फेक्शन कितना है। मेरा वो हाई था, पता ही था मुझे। शिरीश मैं भाग के लिए लेती वापस किया। मैं कहा सर ESR हाई आया है। कर तुम्हें किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को? एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऊपर से बोल रहे हो किसने बोला ब्लड टेस्ट कराने को। मैं कहा ESR हाई है सर, 0 to 20 नॉर्मल होता है, मैं 24 चल रहा है। कहे जो 100 होगा तब आना जा। मैं कहा 100 की वेट क्यों करनी, कैंसर बड़ा हो जाएगा, अभी पकड़ के अभी मार देते हैं ना सर। कह रहे जाओ यहाँ से। मैं कहा सर 24 पे है, 24 हाथ थोड़ा उठा लिया, हाथों मार दूंगा बहचो तुम्हें मैं। फिर 1500 ले लिए। तो मैं समझ गया ये कोई मुन्ना भाई टाइप डॉक्टर किसी पारसी के बाप के हाथ कैरम खेल के घुस गया ये। इसे आता तो कुछ है नहीं, तो मुझे लगा जुगाड़ से ही जाना पड़ेगा। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मॉम डॉक्टर है, वो सीनियर डॉक्टर है। मैंने उसके अपने फ्रेंड को फोन किया, मैंने अपनी मॉम के थ्रू भेजा किसी रेफरेंस के थ्रू। तो उसकी मॉम ने मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल भेज दिया उनके हेड न्यूरोलॉजिस्ट के पास। मैं उनके पास पहुंचा, मैं कहा हाय सर अभिषेक उपमन्यु, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कह रहा आपको? मैं कहा यस सर। कह रहा अंदर आओ। मैं कहा सर मुझे तारा शर्मा। कह तारा ने भेजा? अरे अंदर आओ अभिषेक, अंदर आओ। अरे अभिषेक मैं और तारा तो पता है कब से दोस्त है, कॉलेज से दोस्त है। कॉलेज में साथ में ही घूमते थे, साथ में ही क्लासेस लगाना, साथ में ही फेस्ट पे जाना, हमें तो इतने। मैं कहा सर मेरा कैंसर बन रहा है सर। ये सब हम बाद में सुनेंगे ठीक है, आप कैंसर ट्रीट करो, मैं सब सुनूंगा बैठ के। बिठाया उसने मुझे, यहाँ थोड़ा मार रहा है तो यहाँ तो मेरे परमानेंट दर्द रहता है ठीक है। ऊपर से न्यूरोलॉजिस्ट कैसे डॉक्टर है, हथौड़ा लेके घूम रहे हैं ये कैसा मेडिकल, ये क्या आधार लेके घूम रहे हैं। मैं एक दिन वैसे चल जाऊंगा इनके पास कि बीमार है। मैं कहना कील ठोक दो बच्चे, यहाँ पर जूते का सोल निकला हुआ है। हथौड़ा थोड़ा मार के कह रहा है, बस हथौड़ा मार के। अरे अभिषेक कुछ लग नहीं रहा है यार। मैं कहा सर मुझे लग रहा है सर कैंसर बनता जा रहा है सर, पहले दिन पकड़ने का प्लान था, day 3 चल रहा है। मैं कहा कुछ हो जाएगा सर, मुझे हो जाएगा। कह रहे ऐसे कैसे हो जाएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको तारा जी ने भेजा है। अभिषेक तुम जानते नहीं हो मेरे तारा से दोस्ती कितनी प्यारी है, हमने इतने मजे किए कॉलेज में, कभी उधर कैंटीन में जाना, कभी उधर गाने गाना, कभी उधर बंक मारना। मैं बंक मारना न्यूरोपैथी वाले चैप्टर पढ़ा, बंक मार लिया था उस दिन। अरे हंसना मत सर यहाँ पे। कह रहे कुछ नहीं हुआ है अभिषेक। कहा सर हुआ, 3 दिन से दर्द हो रहा है, मैं पहले लीलावती भी गया था वहां पे। क्या लीलावती गए थे डॉक्टर शिरीष के पास? मैं कहा हाँ। कह रहे दोस्त है मेरे, अभी फोन करता हूँ उनको मैं। वही लैंडलाइन से स्पीकर पे फोन करने लग गया। हेलो शिरीष, हाँ नरेश है। अच्छा शिरीष वो अभिषेक उपमन्यु कर वहां पहुंच गया वो, उसको भरोसा नहीं है मैं डायग्नोसिस पे, उसको मैंने बोला था। फोन उठा लिया बीच में, हेलो हाँ हाँ शिरीष, नहीं नहीं मैं बोल दूंगा
मैं बोल दूंगा नहीं ये नहीं बोलूंगा नहीं नहीं फिरिश नहीं नहीं इस पे FIR हो सकती है फिरिश नहीं ऐसे कैसे मुंह पे हथौड़ा मारते किसी के भी चलो ठीक है मैं देख लूंगा मैं कर दूंगा आप निश्चिंत रहो मैं कर दूंगा ठीक है और बाकी कैसे घर में भाभी जी का मेरे बारे में अच्छा भाभी जी ने सीट में मजाक किया मैं कहा बंद करो इसको यार सब कितने रखी यहाँ पे मेरे ये सर 25 हो गया होगा अब तक खैर अभिषेक देखो उन्होंने बोल दिया तो मैं क्या ही बोलूँ अब यार वो सीनियर है हमारे मैं कहा वो सीनियर है खैर मुझे कुछ होता है मैं उनके पास जाता हूँ मैं उनके पास क्या जाता पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है क्या हो सकता है कह रहा कुछ नहीं हुआ मैं कहा सर कुछ तो बता दो सर कह रहा जाओ विटामिन खाओ मैं कहा कौन सी कोई उंगली चूस कर पंद्रह सौ लेके भेज दिया मैं कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है हो क्या रहा है यार तो जो मेरा दोस्त था जिसकी मॉम डॉक्टर थी उसका मुझे फोन आया कहा ब्रो शॉर्ट हो गया सब कुछ ब्रो क्या हुआ मैं कहा मैं कैंसर चल रहा है भाई शॉर्ट कह रहा कैंसर मेरे पास था मैं ठीक करता मैं उसके पास गया कह रहा देख ब्रो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं वीड में तो ये स्मोक कर सब ठीक हो जाएगा मैं कहा स्मोकिंग से कैंसर होता है यार ये सब क्या बोल रहा है कह रहा टेंशन मत ले बटर में डाला टोस्ट बना दिया बहन इतनी जल्दी काम करते दिखाई नहीं मैंने उसको आज तक क्या फटाफट कह रहा अभी ये ले भाई टोस्ट खा तू मैं टोस्ट खाए सब ठीक हो गया सारे दर्द गए उल्टा मुझे लगने लगा क्या ही है कैंसर इसी मिट्टी से आए थे इसी में चले जाना है ठीक है कोई बात नहीं नहीं यार मैं ना पूरा गुजरा था फिटनेस में सारी कोशिश की फिटनेस में करने की और मैं अपनी फैमिली को भी फिट करने की कोशिश कर रहा था मैं तो अपने फैंस को भी चाहूंगा तुम फिट हो जाओ तुम मर गए मैच में कौन आएगा तो ध्यान रखो ठीक है थोड़ा तो मैं अपने सारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली सबको कोशिश कर रहा था फिर मेरी कजन है रिया और शिवानी कैसी लगी है वीडियो 1500 पानी नहीं मुझे इन डॉक्टर का क्या हो सकता है पानी की बोतल तो सामने पड़ी हुई है वो पी लेंगी और वो कील ठोक दे काफी अच्छी-अच्छी पंच लाइनें थी अच्छे-अच्छे पंच थे काफी अच्छे-अच्छे मतलब लाइनें थी लिखी हुई थी ये खुद लिखते हैं पता है खुद लिखते हैं फिर एक्ट करते हैं ये चीज काफी अच्छा बहुत बढ़िया है तभी तो इन्हें स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय